हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है कि उसे अगर तकलीफ होती है तो उस पर वो सब्र करता है, या उसे खुशी मिलती है तो उस पर वो शुक्र करता है। तो दोनों सूरतों में अल्लाह उसको अजर अता करता है, और ये सिर्फ शान मोमिन की ही है कि वो मुसीबत पर सब्र करे। बल्कि फरमाया कि मोमिन के पाँव में कांटा भी चुभता है तो उसका भी उसको अजर दिया जाता है, उसके दर्जे बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी ख़ताओं से दरगुजर कर लिया जाता है। लेकिन ये मशरूत है उस तकलीफ को सब्र के साथ बर्दाश्त करने से। अगर वो वाविला करता है, नाशुक्री के कलिमात कहता है, तो तकलीफ तो ख़त्म नहीं होती लेकिन अजर ज़ाइल कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें हर सूरत के अंदर सब्र के दामन को मजबूती से थामने की तलकीन की गई है। और अहले ईमान को ये भी सबक दिया गया कि जब उन्हें कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसी के हैं और उसी के हुजूर पलट के जाना है। तो ये वो अमर है कि जो उनकी तबीयत के अंदर ठहराव पैदा करता है और उनकी जिंदगियों के अंदर अल्लाह ताला जल्ला शानहू पर जो यकीन है उसका पता देता है। अगर मुसीबत को अल्लाह की तरफ से समझ के मान के सब्र किया जाए, उसको मकदूद समझा जाए, उस पर वावेला ना किया जाए, अल्लाह की नाफरमानी का कोई कलेमा ना बोला जाए, अपने अकीदे में तजलजुल ना आने दिया जाए, अपने रवैयों की खूबसूरती को जायल ना होने दिया जाए, तो इसका मतलब है कि वो शख्स मोमिन है, उसका यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो फिर उसके यकीन के सिले के अंदर अल्लाह उसको फिर हिदायत कल्ब का चरागा नसीब करता है। और फरमाया वल्लाहु बिकुल्ल शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को जानने वाले, उसे पता है कि किसी पर मुसीबत नाजिल क्यों करनी है, और इस मुसीबत से उसका इम्तिहान लेना मकसूद है, उसके दर्जों को बुलंद करना मकसूद है, उसके गुनाहों को माफ़ करना मकसूद है, उसको किसी आजमाइश में डाल करके उसको मजीद कुंदन बनाना मकसूद है, या उसका क्या मकसूद है, उसको सजा देना मकसूद है, ये उसे पता है। तुम्हारा रब तुम्हारी तरफ आने वाली जो तकलीफें हैं उनके अंदर हजार हा पिनहा हिकमतों से वाकिफ है। यहाँ ये बात भी समझने के काबिल है कि जो शख्स मुसीबत के आने पर सब्र और इस्तिकामत के साथ उससे निपटता है और अल्लाह पर जो उसका यकीन है उसमें तजलजुल पैदा नहीं होने देता। कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ए महबूब फरमा दीजिए जो कुछ है वो तुम्हारे रब की तरफ से, ये उसका ख्याल और फिक्र है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से, तो फिर उस मुसीबत को टालने वाला भी वही है। तो अगर ये उसका अकीदा पुख्ता था तो फिर वो मालिक की दहलीज छोड़ के, मालिक की चौखट छोड़ के किसी और दहलीज पे नहीं जाएगा, किसी और चौखट पे नहीं जाएगा। वो उस मुसीबत को दूर करने वाला मौसर हकीकी अल्लाह को ही जानता होगा और उसी के हुजूर दुआएं करेगा, इल्तिजाएं करेगा, किसी शिर्क का इर्तिकाब नहीं कर सकता है और वो मालिक की दहलीज से कभी रू गर्दानी नहीं कर सकता, बल्कि इस तकलीफ के आने से वो अपने रब के साथ और ज़्यादा जुड़ जाएगा। और अगर वो सब्र करे तो ये उसका एक मरतबा है कि वो हौसले के साथ उस तकलीफ को बर्दाश्त करे, और दूसरा मरतबा जो इससे बढ़कर है कि उस पर अल्लाह की रजा के सांचे में अपने आप को ढाल ले कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्ले डावा। अगर वो इस बात पे राजी है तो कोई बात नहीं है, मैं इस पे राजी हूं क्योंकि मेरे रब की ये रजा है। तो ये दोनों चीजों का मिल जाना या दोनों में से किसी एक का मिल जाना, ये अल्लाह की तरफ से उसको दिया गया इनाम है जो इस मुश्किल हालात में उसको हासिल होता है। अब वो किस कैफियत में है अल्लाह ताला उसको खूब जानता है कि वो इस पे सब्र कर रहा है या उसका अंदर डोल रहा है। उसका अकीदा कमजोर था और वो कमजोरी के बायस जो है वो तजलजुल का, तजब्जुब का शिकार हो गया। तो ये तुम्हारा रब खूब जानता है, तो तुम्हारे सीने के अंदर छुपी हुई कैफियत तुम्हारे रब के इल्म में है।